How are you? Today we will do revision of fill in the blanks by using apostrophe s correctly. So apostrophe s वो हमें क्या दिखा है? It shows the ownership. वो हमें ownership दिखा है. मतलब ये चीज किसकी है? Who is the owner of that things? वो दिखाने के लिए हम apostrophe s का use करते हैं. गुजराती में मुझे नो नी नूना कहते हैं क्या हमारा भाई नू घर छे आ हमारा पापा की गाड़ी छे आप बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो हिंदी में ऐसा की होता है कि ये मेरे पापा की कार है ये मेरे भाई की बुक है जो की वर्ड है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं ओके लेट्स सी द एक्सरसाइज सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली नंबर वन दैट इज द डैश पैरट नेस्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है पैरट तो जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसके पीछे हमें एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करना है और फिर से ब्लैंक्स में लिखना है ओके दैट इज द डैश ब्रैकेट में लिखा है पैरट यहाँ पर लिखा है नेस्ट तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पता है पी ए डबल आर ओ टी फिर एपोस्ट्रॉफी एस दैट इज द पैरट्स नेस्ट मतलब ये जो नेस्ट है वो किसका है तो वो पैरट का है ओके नंबर टू दिस इज डैश ब्रैकेट में लिखा है राम हाउस दिस इज डैश हाउस ये किसका घर है ओके हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस ये घर किसका है तो यहाँ पे आंसर लिखा है राम ये घर राम का है लेकिन राम का जो का वर्ड हमें दिखाना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस दिस इज राम्स हाउस ये घर राम का है ओके एस में नंबर थ्री दीज आर द डैश ड्रॉप व्हील दीज आर द डैश ड्रॉप व्हील तो यहाँ पे क्या है ये जो व्हील है वो किसके है तो जो व्हील है वो ट्रक के है ओके तो हुज व्हील द ट्रक तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम टी आर यू सी के बाद में एपोस्ट्रॉफी एस करके लिखेंगे ट्रक्स दीज आर द ट्रक्स व्हील तो ये व्हील है तो किसके है तो ट्रक्स के है ट्रक्स के जो के वर्ड है उसके लिए हमने क्या यूज किया तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया ओके नंबर फोर दिस इज डैश ब्रैकेट में लिखा है सीमा पेट डॉग तो पेट डॉग है तो किसका है हु इज द ओनर ऑफ दैट डॉग तो सीमा भाई ब्रह यहाँ आंसर क्या लिखेंगे हम सीमा का वर्ड दिखाने के लिए क्या यूज करना है हमें एपोस्ट्रॉफी एस ओके दिस इज सीमास पेट डॉग वो डॉग है लेकिन किसका है सीमा का है ओके नंबर फाइव दैट इज माय डैश कार दैट इज माय ब्रैकेट में लिखा है फादर का तो वो जो कार है वो किसकी है तो मेरे पापा की है वो जो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ ए टी एच ई आर फादर उसके पीछे हम लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस तो दैट इज माय फादर्स कार ओके कार के ओनर कौन है हुज बिलोंग टू द कार किसकी है तो मेरे पापा की है नंबर सिक्स दिस इज माय डैश बुक दिस इज माय डैश बुक ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिस्टर तो बुक है तो किसकी है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर सिस्टर खाली सिस्टर लिखेंगे हम नहीं पीछे क्या ऐड करना है हमें एपोस्ट्रॉफी एस सो दिस इज माय सिस्टर्स बुक तो ये जो बुक है वो मेरी बहन की है नंबर सेवन दैट इज डैश रूम दैट इज डैश रूम ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनीता क्या नाम लिखा है ब्रैकेट में अनीता तो वो जो रूम है वो किसकी है तो अनीता की है अनीता और पीछे क्या ऐड करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस तो दैट इज अनीतास रूम वो रूम जो है वो अनीता की है नंबर एट दीज आर डैश ब्रैकेट में लिखा है मेहुल लास्ट में लिखा है क्लोथ्स दीज आर डैश क्लोथ्स क्लोथ्स
apostrophe s. क्यों? क्योंकि ये ownership दिखाते हैं, कपड़े हैं लेकिन किसके, तो वो के साबित करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर apostrophe s लिख देते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो जो कपड़े हैं वो मेहुल के हैं. These are Mehul's clothes. Okay? So let's read again with me all the blanks. Number one, that is the parrot's nest. Number two, this is Ram's house. Number three, these are the dog's wheel. Number four, this is Seema's pattern. Number five, that is my father's car. Number six, this is my sister's book. Number seven, that is Anita's room. Number eight, these are Mehul's clothes. Okay, so write down this exercise in your English grammar notebook with the good handwriting. Now let's see another exercise of this lesson. Okay, now let's see the exercise related articles. Articles aapko pata hai na, which are the articles, a, an, the. Okay, and you have already learned about that. So there are three articles, a, an, the. A we are using before consonant sound, an we are using before vowel sound in singular, both a or an हम सिंगुलर में यूज करते हैं. द वी आर यूजिंग फॉर मेनी वेज. ओके, द का यूज मेनी वेज होता है, मतलब अलग अलग, वो प्लूरल में भी यूज करते हैं हम, सिंगुलर में भी यूज करते हैं. दूसरी बात, इट इज यूज फॉर ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड, वो आपको पता है, सन मून, वो पता है ना, जैसे कि दुनिया में एक ही चीज है, तो वो दिखाने के लिए हम द का यूज करते हैं. नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीटेड सेंटेंसेस, उसके साथ हम द का यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द. ए, एन और द का यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. ओके, नंबर वन, आई हैव रिटन, क्या लिखा है मैंने, डैश ऑरेंज, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया वॉवेल साउंड है, हमें क्या लिखना है आगे, एन, एन ऑरेंज. सेकेंड ब्लैंक में लिखा है ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. सो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, तो ई भी क्या है, वॉवेल साउंड है. अगेन वी हैव टू राइट एन, एन एलिफेंट. नंबर थ्री, डैश काउ, काउ फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, सो वी हैव टू राइट हियर ओनली ए, अ काउ. नंबर फोर, डैश यमुना, आई ए एम यू एन ए, सो यमुना इज अ नेम ऑफ रिवर, तो ऑब्वियसली रिवर्स का नेम हो तो हम आगे क्या लिखते हैं, द, द यमुना, द गंगा, द कावेरी. ओके, नंबर फाइव, डैश डोर, डोर का फर्स्ट लेटर डी, कॉन्सोनेंट, वी हैव टू राइट हियर ए और डोर. नंबर सिक्स, डैश के आई टी ई काइट, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, अगेन वी हैव टू राइट ए और काइट. नंबर सेवन, डैश आइसक्रीम, आई सी ई सी आर ई एम, आइसक्रीम का आई क्या है, वॉवेल साउंड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर ए एन एन. ओके, एन आइसक्रीम, तो ए और एन हम सिंगुलर में यूज करते हो, वो याद रखना. ओके, प्लूरल में नहीं, ये सिंगुलर फॉर्म में है, जहां पर ए और एन लिखा है वो सब, एन आइसक्रीम. एट नंबर, गिटार, डैश गिटार, जी यू वाई टी ए
आर, तो इट इज अ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो मैंने आपको बताया था जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम हो तो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द द गिटार, द पियानो, द तबला, ऐसे. नंबर 9 डैश गिरनार, जी आई आर एन ए आर. तो गिरनार इज अ नेम ऑफ द माउंटेन. तो उसके आगे क्या लिखना है हमें, द सिखाया था मैंने आपको, फिर रिवर्स नेम हो, माउंटेन्स नेम हो तो भी द यूज होता है, द गिरनार. नंबर 10 डैश सन, ये भी पता है कि जब भी दुनिया में वर्ल्ड में एक ही चीज हो, ओके, इट्स एन इटरनल ट्रूथ, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट द द सन. 11 नंबर में है डैश मून, एम डबल ओ एन मून, तो मून भी पूरी दुनिया में एक ही है, तो द मून. डैश ट्री, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, यू हैव टू राइट हियर ए, अ ट्री. 13 नंबर डैश पेन, पी कॉन्सोनेंट साउंड, अगेन यू हैव टू राइट ए, अ पेन. नंबर 14 डैश रोज, आर कॉन्सोनेंट, अगेन यू हैव टू राइट ए, अ रोज. नंबर 15 डैश आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल का कॉन्सोनेंट क्या है, ओ, वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर एन, एन आउल. 16 नंबर डैश अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेले का यू क्या है, वोवेल साउंड, अगेन वी हैव टू राइट एन, एन अम्ब्रेला. नंबर 17 डैश बेड, बी इज कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट ए, अ बेड. 18 में लिखा है डैश ए एन डी एन, एन का ए क्या है, वोवेल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर एन, एन एंड. नंबर 19 डैश अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ, तो वो तो एक ही है, इट्स अ इटरनल ट्रूथ, द अर्थ, ओके. नंबर 20 डैश ए एन आई एम ए एल, एनिमल, तो ए इज वोवेल, दैट्स व्हाई वी हैव राइट एन, एनिमल. आया समझ में, नाउ लेट्स रीड अगेन विद मी ऑल द लेंग्स. नंबर 1 एन ऑरेंज, नंबर 2 एन एलिफेंट, नंबर 3 अ कार, नंबर 4 द यमुना, नंबर 5 अ डोर, नंबर 6 अ काइट, नंबर 7 एन आइसक्रीम, नंबर 8 द गिटार, नंबर 9 द गिरनार, नंबर 10 द सन, नंबर 11 द मून, नंबर 12 अ ट्री, नंबर 13 अ पेन, नंबर 14 अ रोज, नंबर 15 एन आउल, नंबर 16 एन अम्ब्रेला, नंबर 17 अ बैट, नंबर 18 एन एंट, नंबर 19 द अर्थ, एंड लास्ट इज एन एनिमल. ओके, सो राइट डाउन बोथ द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक विद द गुड हैंडराइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स.